दोस्तों आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आप सभी के साथ जर्नल रीडिंग टिप्स के बारे में। जी दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हो रीडिंग आइल्स में जर्नल और अकेडमिक दोनों की ही डिफरेंट है। मैंने पहले डिस्कस किया था अकेडमिक स्टूडेंट्स के बारे में, आज मैं डिस्कस करूंगी कि किस तरह जर्नल कैंडिडेट अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या अलग है जर्नल रीडिंग में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रीडिंग में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ही हैं, टोटल 40, और यहां पर आप टाइम बाउंड है, सिर्फ एक घंटा मिलेगा आपको अपनी रीडिंग को पूरा करने के लिए एंड देयर इज नो एक्स्ट्रा टाइम टू ट्रांसफर योर आंसर्स ऑन योर ओएमआर शीट। इसके अलावा अगर बात की जाए टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तो वो काफ़ी हद तक सेम ही है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस नहीं है चाहे वो जर्नल हो या वो हो अकेडमिक। मेनली जो डिफरेंस आता है वो है पैसेजेस के कंटेंट के ऊपर। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ अकेडमिक स्टूडेंट्स की तो जहाँ पर उन्हें मिलते हैं टोटल 3 पैसेजेस जो कि लेंथी होते हैं, एक जर्नल इंटरेस्ट रिलेटेड टॉपिक होता है, वहीं पे जर्नल स्टूडेंट की जो रीडिंग है वो काफ़ी हद तक अलग है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। अगर बात की जाए इनके पैसेजेस की तो जर्नल रीडिंग के पहले दोनों रीडिंग पैसेजेस डिवाइड होते हैं सब कैटेगरीज में, जो कि एक तरह से एक सब कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसका टॉपिक हो सकता है कि वो एडवर्टाइजमेंट बेस्ड हो, न्यूज़पेपर आर्टिकल जिस तरह से हम पढ़ते रहते हैं उस तरह से हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट की जैसे मैंने बात की तो हो सकता है कि वो पैम्फलेट या किसी और चीज़ की एडवर्टाइजमेंट जैसे हम देते हैं पेज पे या न्यूज़पेपर पे, उस तरह से हो सकता है वो। और एक टॉपिक ऐसा आता है जो कि जर्नल कंटेंट, जर्नल इंटरेस्ट का रहेगा, जो थोड़ा सा लेंथी होता है एज कंपेरिजन विद फर्स्ट एंड सेकेंड रीडिंग पैसेज। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि वैसे आपके टोटल नंबर ऑफ पैसेजेस 3 ही हैं, बट इन फर्स्ट एंड सेकेंड रीडिंग पैसेज इट इज सब डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। और इन टोटल अगर आप देखें तो छोटे छोटे आपको पहले दोनों रीडिंग पैसेज में रहेंगे 4 सेक्शंस, एंड इन टर्म्स ऑफ रीडिंग पैसेज 3 तो वो होगा एक लॉन्ग पैसेज लेंथी जो कि जर्नल इंटरेस्ट बेस्ड होता है। फ्रेंड्स क्वेश्चंस पे आते हैं हम, टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम है जैसे मैंने बताया, तो मेनली आपको करना ये है कि आपको ध्यान देना है क्वेश्चन को सही तरीके से, आप अंडरस्टैंड कीजिए, फाइंड आउट कीजिए अपने कीवर्ड्स को और उनकी लोकेशन को, क्योंकि जर्नल स्टूडेंट के लिए बहुत आसान है कि वो आसानी से अपने कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर लेते हैं और उन्हें उनका आंसर भी बहुत जल्दी मिल जाता है। जस्ट इसको समझना ज़रूरी है कि आपने क्वेश्चन के पीछे पूछे गए लॉजिक को कितने अच्छे से समझा है, क्योंकि हम कहते तो हैं कि अकेडमिक स्टूडेंट्स जो रीडिंग कर रहे हैं वो जर्नल कंटेंट से अलग है इन टर्म्स ऑफ लॉजिक बेस्ड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अकेडमिक बच्चों के लिए जो क्वेश्चन हैं वो लॉजिक बेस्ड नहीं होते काफ़ी हद तक। बट अगर जर्नल स्टूडेंट्स की बात की जाए तो कुछ चीज़ें हैं जो कि लॉजिकली उनको फाइंड आउट करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से समझा है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले दोनों सेक्शन जैसे मैंने अभी बताया कि वो आसान रहते हैं, आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, पढ़ने का जो रीडिंग कंटेंट है वो इतना नहीं होता, तो टाइम मैनेज करना भी काफ़ी हद तक आसान है जीटी ट्रेनिंग के लिए। इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट वैसे हम ये सजेस्ट करते हैं, आप कहीं से भी ट्रेनिंग लें या आप कहीं चेक करें इंफॉर्मेशन को, तो वो आपको बताते हैं कि आपको 20 मिनट ईच पैसेज देना है। इसके अलावा अगर आप पहले दो पैसेजेस कर रहे हो जो कि प्रिसाइज है, जहाँ पे कम रीडिंग कंटेंट होगा, तो अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, इफ़ यू आर अ क्विक रीडर, तो आप उसे 15 मिनट्स में भी पूरा कर सकते हो। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि क्योंकि रीडिंग पैसेज का जो आपकी रीडिंग का जो थर्ड पैसेज है वो लेंथी रहता है, उसमें रीडिंग कंटेंट ज़्यादा है फर्स्ट और सेकंड पैसेज के रिलेटेड, तो आपको ज़्यादा टाइम देना है अपने थर्ड पैसेज को। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रीडिंग में स्कोर नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न, क्योंकि लास्ट पैसेज बहुत लेंथी होता है और लास्ट पैसेज तक पहुँचते पहुँचते उनका डिफ़िकल्टी लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है या तो आप अपना थर्ड पैसेज पहले कर लीजिए, कोशिश कीजिए जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो सही रहे, पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने क्वेश्चन को सिर्फ एक बार रीड करो जिससे कि आप उसकी पूरा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रख सकें, क्योंकि जितनी बार आप अपने क्वेश्चंस को पढ़ोगे यू गेट कंफ्यूज एंड नर्वस कि आपका राइट आंसर क्या है। ये खास तौर पे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बच्चों को डिफिकल्टी आती है। यदि कुछ इन्फॉर्मेशन जर्नल ट्रेनिंग की रीडिंग को लेकर कि किस तरह से जर्नल प्रैक्टिस कर रहे स्टूडेंट्स अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन you can subscribe our channel on YouTube, that is from Broadway A2E Academy,
या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, दैट इज 9216780780। थैंक यू।